आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गोरमी। जैसे कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2 के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर ये लिस्ट आपको भी देखना है तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप भी लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैंने ये वीडियो आपको ज़रूर बनाया पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इसमें वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको बताऊँगा कि चेक करना है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें से वॉइस नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस प्रकार से आप इंटरव्यू की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक गूगल क्रोम ओपन कर लेना है या कुछ भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है MPE सर्विस, जहाँ से आपने आवेदन किया था वही सर्च करना है। या तो आप डायरेक्ट जो आपको पहली वेबसाइट दिख रही है इसे, ठीक है, या तो इसे आप कर लीजिए या फिर आप इसे कर लीजिए, तो दोनों में ही एक ही बात है कि तो चलिए हम रिजल्ट वाली डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही रिजल्ट वाली पर ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना यहाँ पर दे रहा है, व्यू का ऑप्शन दिखा जा रहा है आपको। इस व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्न प्रोग्राम बैच 2 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू मुख्यमंत्री यूथ इंटर्न प्रोग्राम बैच 2 के आवेदकों की साक्षात्कार के लिए। यहाँ पर आपको टोटली 52 जिलों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी का नाम नहीं है जिसका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया था, उसका नाम क्यों नहीं है आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसकी भी हमारे पास जानकारी आ चुकी है कि उनका नाम क्यों नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप पहले अपना नाम देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका नाम आया है या नहीं। धन्यवाद।